गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एक वायरल मैसेज जो कि सोशल मीडिया में काफी धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है, जिसमें GSTR1 की लेट फीस का जो लेट फाइलिंग के ऊपर लगाया गया है उससे रिलेटेड है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने जो ये नोटिस दिया है उसमें लिखा है रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट ऑफ लेट फी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ GSTR1। अब यहां पर आपको ये समझना है, क्या ये जो नोटिस आया है ये नोटिस इस फैक्ट्स के हिसाब से सही है जो कि इसके अंदर मेंशन करी गई है बातें, क्योंकि GSTR1 के अंदर लेट फीस जो है वो कब लगना चाहिए कब नहीं लगना चाहिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, और इस नोटिस के बारे में भी मैं अपने व्यूज आपके साथ शेयर करूंगा अलोंग विथ कि सपोर्टिव नोटिफिकेशन क्या कहता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं इट इज ऑब्जर्व्ड From the database that the GSTR1 quarterly for the following return periods were submitted beyond the prescribed dates for submission, resulting in delay in submission of the return by days as mentioned below. यानी कि GSTR1 की जो submission है वो prescribed dates के बाद करी गई है, इसीलिए लेट फीस का अमाउंट जो है वो पेमेंट करने के लिए कहा गया है। अब इन्होंने ये टेबल बना के दिया है, इस टेबल में आप देखेंगे तो इन्होंने लिखा है रिटर्न पीरियड दिसंबर 17, यानी कि अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 17 की जो GSTR1 है वो फाइल कब हुई है, वो फाइल हुई है 16 जुलाई 2019। रिवाइज्ड ड्यू डेट, जो ड्यू डेट एक्सटेंडेड है वो क्या है, वो है 31 अक्टूबर 2018। डिले इन डेज कितना हुआ इस पर्टिकुलर केस में, 258 डेज, और लेट फी कितना पेएबल बनता है, 20 रुपीज पर डे। सर 20 रुपीज कैसे, 20 रुपीज इसीलिए क्योंकि निल फाइलिंग के लिए 10 रुपीज CGST और 10 रुपीज SGST का लेट फीस जो है वो लगाया जाता है। अकॉर्डिंगली यहां पर टोटल लेट फी पेएबल जो है 5160 का फॉर अक्टूबर टू दिसंबर लगा दिया गया। सेम मैटर पे मार्च 2018 यानी कि दो क्वार्टर के लिए GSTR1 की फाइलिंग जो है 16 जुलाई 2019 को करी गई, जिसकी डेट थी 31 अक्टूबर 2018। डिले इन डेज हो गया 258, लेट फी पेएबल 20 रुपीज, ये भी निल का केस था, तो ये 10,320 का दो क्वार्टर का GSTR1 लेट फीस जो है उसका कंप्यूटेशन करके नोटिस को भेजा गया, और इस नोटिस को काफी ज्यादा वायरल किया गया है जो कि आपके ट्विटर हैंडल व्हाट्सएप में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा। अब देखते हैं क्या ये जो नोटिफिकेशंस आई हैं GSTR1 को लेकर के, उस नोटिफिकेशन को अगर ध्यान में रखें तो ये फाइलिंग डेट जो इन्होंने लिखा है 16 जुलाई 2019 और रिवाइज्ड ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2018, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लेट फीस लगनी चाहिए या नहीं। अब मैंने आपके सामने ओपन किया है नोटिफिकेशन नंबर 74। आपको एक चीज ये समझनी होगी, GSTR1 के अंदर जो लेट फीस का वेवर है वो सबसे पहले आया था नोटिफिकेशन नंबर 4/2018। जब भी GSTR1 लेट फीस की बात होगी आपको नोटिफिकेशन 4/2018 चेक करना होगा। इसके बाद फर्दर 4 अमेंडमेंट्स इस नोटिफिकेशन में हो चुके हैं, जिसमें लेट फीस स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको वेव ऑफ करके दी गई। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है वो है नोटिफिकेशन 4 का अमेंडमेंट जो कि आया था नोटिफिकेशन नंबर 74 के हवाले से। इसमें क्या बताया गया था, इसमें इन्होंने बोला था प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द अमाउंट ऑफ लेट फी पेएबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट शैल स्टैंड वेव्ड फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्ड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन GSTR1 फॉर द मंथ्स और क्वार्टर्स फ्रॉम जुलाई 17 टू नवंबर 19। यानी कि जुलाई 17 से लेके नवंबर 19 की GSTR1 की लेट फीस माफ कर दी गई है, वेव ऑफ कर दी गई है। कब, अगर आपने अपनी रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं करी। जो नोटिस आया है इसमें वो पीरियड वेल कवर्ड है, जुलाई 17 से नवंबर 19 की बात करी गई जो कि दिसंबर 17 और मार्च 18 को कवर करता है। इसकी ड्यू डेट इनके हिसाब से 31 अक्टूबर 2018, हमने 31 अक्टूबर 2018 तक फाइल भी नहीं करी, लेकिन
आगे इन्होंने लिखा है कि बट फर्निसेस द सेड रिटर्न बिटवीन द पीरियड 19th दिसंबर 19 टू 10th जनवरी 2020। अब यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी, इन्होंने जो ये कंडीशनल वेवर दिया है ये किस चीज को लेकर के दिया है। ये कंडीशनल वेवर इस चीज को लेकर के दिया है कि आपने अगर जुलाई 17 से लेके, अब ध्यान से सुनिएगा सर, यहां पर हुआ क्या, जुलाई 17 से लेके नवंबर 19 की रिटर्न अगर आप 19 दिसंबर 19 से लेके 19th दिसंबर 2019 जो कि इस नोटिफिकेशन में बताया गया है से लेके 10 जनवरी 2020 यानी कि 10 जनवरी 2020 तक अगर आप फाइल कर देते हैं तो आपको लेट फीस नहीं लगेगी। 10 जनवरी को एक्सटेंड किया गया फर्दर 17 जनवरी 2020 तक। अब इस असेसी से गलती क्या हो गई, अब इस असेसी से गलती ये हो गई कि जुलाई 17 से लेके जो हमारा नवंबर 19 तक का GSTR 1 है ये इसने फाइल कर दिया है 16 जुलाई 2019 को। अब नोटिफिकेशन कहता है कि ये जो वेवर है ये आपको तभी मिलेगी जब आपने 19 दिसंबर 2019 से लेके 10 जनवरी 2020 एज एक्सटेंडेड बाय 17 जनवरी 2020 तक फाइल कर दी हो। बट यहां पर 16 जुलाई 2019 को जो ये फाइलिंग करी गई है तो इसको अब ध्यान में रखते हुए आपको ये समझना होगा कि इस पर्टिकुलर केस में आपको यहां पर रिलीफ नहीं मिलेगा। तो अब आप इस नोटिस को अच्छे से समझ लीजिए, ये लेट फीस जिसकी भी है उसे तो ये पे करना ही होगा क्योंकि ये नोटिस बिल्कुल सही भेजा गया है, एज पर नोटिफिकेशन भेजा गया है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत डिपार्टमेंट को नहीं आएगी लेट फीस कलेक्शन के लिए। ये जो नोटिफिकेशन आया था उसका बैकग्राउंड लेकर के आप इसमें रिलीफ क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक नहीं ली है, अगर आपने वो ली होती तो आपको ये पता रहता कि GSTR 1 में लेट फीस जो है वो लॉ के अंदर लेवी ऑलरेडी कर दी गई है बट कलेक्शन अभी नहीं हो रहा है, किसी भी टाइम वो स्टार्ट हो सकता है और वो एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं और अपने आप को ऐसी ही नोटिफिकेशंस जो रेगुलरली आती हैं जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर उससे अपडेट रख सकते हैं। 28 फरवरी को हमने GSTR 99C का ट्रेनिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 19-20। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी सीट्स जो है वो बुक कर सकते हैं। 24 जनवरी को ये होगा दिन में 11 बजे से 2 बजे तक। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।